अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं इस्लामी ज़िंदगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन किराम, इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तहरीरात व तहकीकात को पढ़कर यह बात वाज़े है कि अल्लाह पाक ने आपको इल्म व हिकमत की दौलत से माला माल किया था और आपने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म की खिदमत में सर्फ कर दी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी उलूम में भी महारत अता फरमाई। जहां दुनिया आपको एक आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस के तौर पर जानती है, वहीं आपकी साइंसी, रियाजी, जुग्राफियाई और दीगर तहकीकात की भी मोतरिफ है। नाज़रीन किराम, ऐसा ही इल्मे रियाजी यानी कि मैथ से मुतालिक एक सच्चा वाकया समात फरमाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने यूरोप में तालीम हासिल की थी और बर्रे अजीम के टॉप के रियाजी दानों में से एक थे। मैथ के एक सवाल में उन्हें मुश्किल पेश आई, बहुत हल करने की कोशिश की मगर हल ना हो सका। आखिरकार उन्होंने सवाल के हल के लिए जर्मनी जाने का फ़ैसला किया। उनके एक दोस्त मौलाना सुलेमान बिहारी साहब ने मशवरा देते हुए कहा, बरेली जाकर आला हजरत से अपना मसला हल करवा लीजिए। डॉक्टर साहब ने हैरत से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या यह रियाजी का मसला कोई ऐसे आलिम साहब भी हल कर सकते हैं जो कभी कॉलेज भी ना गए हों? नहीं, मैं बरेली जाकर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब के दोस्त ने बहुत इसरार किया, आखिरकार वह आला हजरत के पास चले ही गए। आला हजरत रहमतुल्लाही ताला अलैह की तबीयत नासाज थी, लिहाजा डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की, हजरत मेरा मसला बेहद मुश्किल है, एकदम हल करने जैसा नहीं, ज़रा इत्मीनान की सूरत हो तो अर्ज़ करूं। आपने फरमाया, आप बयान कीजिए। डॉक्टर साहिब ने मसला पेश किया, आपने फौरन उसका हल इरशाद फरमा दिया। जवाब सुनकर डॉक्टर साहब सकते में आ गए और बेइख्तियार बोल उठे कि आज तक इल्मे लदुन्नी यानी बग़ैर किताबें पढ़े अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाले इल्म का सुनते तो थे मगर आज आँखों से देख लिया। मैं तो जर्मनी जाने का पक्का इरादा कर चुका था मगर मेरे दोस्त ने रहबरी फरमाई। आला हजरत ने अपना लिखा हुआ रिसाला डॉक्टर साहब को दिया, जिसे देखकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, मैंने तो इस इल्म को हासिल करने के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया, बहुत पैसे खर्च किए, तब कुछ मालूमात हुई, मगर आपके इल्म के आगे तो मैं महज एक तिफले मकतब यानी कि ना तजुर्बा कार हूँ। यह तो बताइए, इस फन में आपका उस्ताद कौन है? आला हजरत ने फरमाया, कोई उस्ताद नहीं, आप जो कुछ मुलाहिजा फरमा रहे हैं यह सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का करम है। नाज़रीन किराम, आला हजरत बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम दीन होने के साथ साथ एक दो नहीं बल्कि कमोबेश 55 उलूम में माहिर थे। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबीगिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और इस्लामी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।